नमस्कार, मैं हूं पूजा कवियागोमा। कानपुर समेत पूरे उत्तर प्रदेश में जीका वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कानपुर में नए मामलों के बाद कन्नौज में भी जीका वायरस के मामलों की पुष्टि हो चुकी है। आज मुख्यमंत्री योगी ने कानपुर का दौरा किया, वो जीका के प्रकोप पर समीक्षा बैठक भी करेंगे। उत्तर प्रदेश में अब तक कुल जीका वायरस के 89 नए मामले सामने आ चुके हैं। इस तेजी से तबाही मचा रहे वायरस ने पूरे यूपी का हाल बेहाल कर रखा है। सरकार द्वारा इसे रोकने का हर प्रयास भी किया जा रहा है, लेकिन अभी भी इसके नए मामले निकलकर सामने आने लगे हैं। जीका वायरस से फैलने वाली बीमारी का प्रसार एडीज मच्छर द्वारा होता है। ये मच्छर की वही प्रजाति है जिसमें डेंगू और चिकनगुनिया जैसे खतरनाक वायरस का प्रसार होता है। जीका वायरस की पहचान सबसे पहले साल 1947 में युगांडा के बंदरों में हुआ था। वहीं इंसानों में इस वायरस के बारे में साल 1952 में पता चला था। जीका वायरस संक्रमण का अभी कोई इलाज मौजूद नहीं है। अगर इस संक्रमण का शिकार हो जाएं तो भरपूर आराम करें, ज्यादा से ज्यादा पेय पदार्थ पिएं और सामान्य बुखार और दर्द की दवा से इलाज करें। पर अगर स्थिति फिर भी नहीं सुधरती तो डॉक्टर की तुरंत सलाह लें। कानपुर में जीका के करीब 106 संक्रमित मिल चुके हैं। संक्रमितों में कोई गंभीर लक्षण नहीं है, सभी को होम आइसोलेशन में रखा गया है। प्रभावित क्षेत्रों में सैंपलिंग का अभियान भी चलाया जा रहा है। ज्यादातर रोगी जो हैं उसमें कोई भी लक्षण नहीं उभरा है। घर घर सर्वे किया जा रहा है, लक्षण मिलने पर लोगों की सैंपलिंग भी की जा रही है। सभी गर्भवतियों की सैंपलिंग के निर्देश दिए गए हैं। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज की कोविड लैब में आज से जीका सैंपल की जांच भी शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए 100 नमूनों की किट केजीएमयू से मंगाई गई है। वायरस की जांच नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे और लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में भी जांच की जा रही है। दरअसल जीका में भी कोविड की तरह आरएनए से संक्रमण की पहचान की जाती है, इसलिए मेडिकल कॉलेज में भी आरटीपीसीआर मशीन है, बस्किट और जरूरी सामान की जरूरत है, इसलिए उसे कॉलेज को उपलब्ध कराया जा रहा है। आज हम आपको जीका वायरस के बारे में बताएंगे कि आखिर ये है क्या और इसके लक्षण क्या हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो आज इसी को लेकर कार्यक्रम में चर्चा करेंगे हम, इस बात को लेकर कि कैसे जो है जीका का कहर बढ़ रहा है और उससे कैसे निजात मिल पाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में खासतौर पर जब हम देख रहे हैं तो उस पर ज्यादा असर भी पड़ रहा है। आपको क्या लगता है कि आखिरकार कैसे जो है निजात मिलेगी, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे और साथ ही अपने खास मेहमानों से इसके बारे में जानेंगे। कैसे बचाव जरूरी है, सावधानियां हमें कहां कहां पर बरतने की जरूरत है, इसके लक्षण कारण हैं क्या और कैसे जो है डिफ्रेंशिएट किया जाए डेंगू चिकनगुनिया और जीका वायरस को, क्योंकि अभी तक तो ज्यादा जो खबरें आ रही हैं वो हम लगातार देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से आ रही है। खासतौर पर कानपुर जिला जो है वो इसकी ज्यादा चपेट में है। इसको लेकर खुद मुख्यमंत्री ने रुख भी वहां पर किया है, वो भी पूरा जो है मुआयना जायजा लेंगे और क्या वहां पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किया जा रहा है उसके बारे में भी वो जानकारी के साथ साथ ये भी ध्यान रखेंगे कि कैसे जो है जल्द से जल्द ध्यान रखा जाए और कैसे जो है जो जीका वायरस का कहर है वो ना बरपे और उस पर कैसे जल्द से जल्द काम करके इससे निजात मिले, लोगों को परेशानी ना हो, इसको लेकर भी कोशिशें की जा रही हैं। तो गर्भवती महिलाओं में इसके जो लक्षण पाए जाते हैं उनके लिए कहा जा रहा ज्यादा खतरनाक वो हो सकता है, तो उनको कैसे बचाया जा सकता है, उनको क्या सावधानी रहने की जरूरत है और जीका से बचाव के लिए प्रशासन भी क्या कर रहा है, उसकी क्या पहल है, स्वास्थ्य विभाग को कितना अलर्ट रहने की जरूरत है और स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर क्या कर रहा है, क्या एहतियाती कदम रखना चाहिए और जिन लोगों में भी संक्रमण पाया जा रहा है उनमें क्या लक्षण दिखे हैं और कितना घातक है ये, क्योंकि इससे बचाव बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी हालांकि उतने ज्यादा इसके मामले नहीं दिख रहे, लेकिन अगर ध्यान नहीं दिया गया इस तरफ तो फिर मामलों में बहुत जल्द इजाफा भी हो सकता है और हम देख रहे हैं पहले ही डेंगू और चिकनगुनिया से ग्रसित हैं तमाम जो राज्य हैं वो, वहां पर पहले ही डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है। कई मौतें डेंगू की वजह से हो चुकी हैं, डेंगू का भी प्रभाव लगातार पड़ रहा है, लेकिन जीका वायरस का कितना प्रभाव और कितनी तेजी से पड़ रहा है यही आज हम समझने की कोशिश भी करेंगे।
तो बिल्कुल जीका का जो कहर बढ़ रहा है और खासतौर पर यूपी में, उसको लेकर आज हम चर्चा भी करेंगे और साथ ही ये जानेंगे कि कितना ज्यादा घातक, कितना खतरनाक ये होने वाला है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं, उनसे परिचय करवा देती हूं। डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीनियर डॉक्टर केजीएमयू से। बहुत स्वागत है डॉक्टर सूर्यकांत जी आपका इस कार्यक्रम में हमारे साथ। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी सीनियर डॉक्टर के तौर पर जुड़ी हैं, बहुत स्वागत है डॉक्टर स्वाति आपका भी इस कार्यक्रम में। सबसे पहले डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश में जो जीका वायरस का प्रकोप है उसकी जरा स्थिति आप स्पष्ट कीजिए। कानपुर जो खासतौर पर जिला है काफी ज्यादा उसकी चपेट में है, फिलहाल क्या स्थिति है? फिलहाल तो ये जो टोल है कानपुर में जीका वायरस की बर्डन का वो 108 पहुंच चुका है और कल भी 17 केसेस नए मिले हैं। आप इसकी गंभीरता देखिए और पॉलिटिकल कमिटमेंट देखिए उत्तर प्रदेश सरकार का, कि आज मुख्यमंत्री जी खुद कानपुर जा रहे हैं वहां की सिचुएशन को खूब रिव्यू करने के लिए। ये दिखाता है कि हमारा पॉलिटिकल कमिटमेंट हेल्थ के प्रति, लोगों की जिंदगी के प्रति और लोगों के स्वास्थ्य के प्रति कितनी संवेदनशीलता का है, एक बात। दूसरी बात यह है कि ऐसा लगता है कि कोई लोकल फोकस है जहां से स्प्रेड हो रहा है, क्योंकि अभी ऐसा कोई चीज समझ में नहीं आई है कि ये पूरे उत्तर प्रदेश में या इंटर स्टेट ट्रांसमिशन हो गया है। तो हमें लगता है कि अभी ये इसको बहुत जल्दी कंफाइन किया जा सकता है, बहुत जल्दी कंट्रोल किया जा सकता है। थोड़ा अवेयरनेस की जरूरत है, थोड़ा सा प्रिवेंटिव मेजर्स लेने की जरूरत है, ऑलरेडी लिए जा रहे हैं। और जहां तक आपने मॉर्टलिटी और सीवियरिटी की बात की, तो एक्चुअली दिक्कत क्या है कि जितने भी इस समय बुखार चल रहे हों, चाहे वो वायरस जनित हो चाहे वो मच्छर जनित हो, वास्तव में क्या है इनके सबके जो लक्षण है वो एक जैसे हैं, तो इसलिए बड़ा डिफ्रेंशिएट कर पाना ये भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमारा किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जिसको मैं बिलोंग करता हूँ, अभी भी 1000 से ऊपर हम लोग जांच कर चुके हैं और पूरी तन्मयता के साथ, पूरी शिद्दत के साथ हमारी टीम लगी हुई है। जितने भी सैंपल भेजे गए हैं, चाहे वो सर्विलांस के दौरान भेजे गए हों, फॉलो अप ट्रैकिंग के दौरान भेजे गए हों, उन सबकी हम लोग टेस्टिंग और उसके बाद उसकी जो रिपोर्ट है वो टाइमली दे रहे हैं और आगे भी हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा। बहुत महत्वपूर्ण डॉक्टर सूर्यकांत बात आपने बताई कि कैसे जो है लखनऊ की और जो कानपुर की उत्तर प्रदेश की स्थिति है वो क्या कह रही है। अब डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, इस वक्त जो सबसे ज्यादा डर और भय की स्थिति बताई जा रही है जीका वायरस को लेकर, वो कहा जा रहा है गर्भवती महिलाओं को, उनको अगर ये हो जाता है तो उनके लिए बहुत ज्यादा ये वायरस खतरनाक हो सकता है ये कहा जा रहा है। तो उनको क्या खास सावधान रहने की जरूरत है, किस तरीके से उनको सावधानी बरतनी होगी इस वक्त? मुझे आपकी आवाज साफ नहीं सुनाई दे रही है, शायद आप ये पूछ रही हैं कि सावधानियां क्या बरतने की जरूरत है जिनको जीका हो गया है। डॉक्टर स्वाति, खासतौर पर मैं विशेष पर गर्भवती महिलाओं के लिए मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि गर्भवती महिलाओं में ज्यादा ये जो है अगर संक्रमण हो जाता है तो उनके लिए ज्यादा खतरा है, तो उनको बचाव और राहत कैसे? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जीका की ज्यादातर परेशानी और जो इसका हमें जिस वजह से हमें चिंता होती है वो इसी वजह से है कि जो गर्भवती महिला है उनके ऊपर खासा दुष्प्रभाव है, क्योंकि जो होने वाला बच्चा है उसमें माइक्रोसिफली हो सकती है, यानी कि ब्रेन का साइज जो है वो छोटा रह जाता है और ऐसे में न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स उस बच्चे को हो सकते हैं। तो ये बड़ा चिंता का विषय है और इसीलिए गर्भवती महिला को खास तौर से सुरक्षित करने की जरूरत है। जिस तरह से आपने अभी कहा भी कि वहां पर जितनी भी गर्भवती महिलाएं उनकी सैंपलिंग की जा रही है, देखा जा रहा है कि किसी को जीका वायरस है या नहीं है, ऐसे में खास तौर से उनको भी बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर कोई भी लक्षण उभर करके जीका के सामने आ रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें ताकि जल्द से जल्द जो भी राहत उनको दी जा सकती है वो देना शुरू किया जाए। वहीं जो अभी ऐसी महिलाएं हैं जो कि गर्भवती होने के बारे में सोच रही हैं, उन्हें अभी थोड़ा सा अपना जो ये निर्णय है वो टाल देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अभी जीका पूरे में फैला हुआ है, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शंस भी बहुत होते हैं जीका में, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको जीका है। और जीका के साथ खास तौर से केवल मच्छर के साथ ही नहीं, जब हम सेक्स करते हैं तब भी ये जीका जो है ट्रांसमिट हो सकता है, तो इसका सेक्सुअल ट्रांसमिशन भी है। तो इसलिए जो भी लेडीज ऐसी हैं जो गर्भवती होने के बारे में सोच रही हैं, उन्हें फिलहाल के लिए अभी इस निर्णय को कुछ समय के लिए टाल देना चाहिए, क्योंकि अगर हस्बैंड एसिम्प्टोमेटिक कैरियर हैं तो ऐसे में जो लेडी है वो भी जीका से इन्फेक्टेड हो सकती है। साथ ही में जिस एरिया में ये जीका ज्यादा हो रहा है वहां ट्रैवलिंग जो है वो इस वक्त रोकनी बहुत जरूरी है। तो अगर प्रेग्नेंट फीमेल है और
उनका मायका मान लीजिए कानपुर में है या ससुराल कानपुर में है, तो कोशिश करें कि अभी वो ट्रैवल ना करें, अभी वो वहां ना जाएं, क्योंकि उनके संक्रमित होने की संभावनाएं ज्यादा होंगी। तो घर के जो फैमिली मेंबर्स हैं वो भी कोशिश करें कि ट्रैवलिंग इस वक्त ज्यादा ऐसे एरिया में ना करें जहां जीका ज्यादा फैला हुआ है। साथ ही सरकार भी लगातार जरूर ये कोशिश कर रही होगी कि जो लोग जहां जहां जीका मिला है वहां से जो ट्रैवलिंग है उसको इस वक्त रेस्ट्रिक्ट किया जाए ताकि और एरियाज में ये ना फैले, क्योंकि मच्छर जो है वो ऐसे व्यक्ति को अगर काटता है जिसको जीका हुआ है, चाहे एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन हो चाहे सिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन हो, तो फिर वो मच्छर जो है कैरियर बन जाता है जीका का, और वो जाकर के अगर किसी और व्यक्ति को काटता है तो उसको फिर जीका हो सकता है। तो इसलिए एक तरफ आपको बहुत जरूरत है ध्यान रखने की कि मच्छर ना पनपे, क्योंकि ये वही मच्छर है जो डेंगू करता है, जो चिकनगुनिया करता है, जिसमें हम देखते हैं कि काले और सफेद जो है धारियां दिखाई देती है मच्छर के ऊपर, जी इसी की वजह से जीका भी फैलता है। तो हमको पूरी कोशिश करनी है कि हमारे घर में जो है कहीं भी मच्छर ना हो, हमारे मोहल्ले में ये मच्छर ना हो, तो मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल करें, जो स्प्रे आता है मॉस्किटो से उसका इस्तेमाल करें, पूरी आखिर के कपड़े वगैरह पहने ताकि कम से कम जो है मच्छर से काटने की संभावनाएं रहे और आप सुरक्षित रहें। तो इन बातों का खासतौर से ध्यान रखना हो। बिल्कुल डॉक्टर स्वाति, कैसे हमें ख्याल रखना है, कैसे सावधानी हमें रखनी है, ये जानकारी देना सबसे जरूरी भी है और इसी बात का हमें ख्याल भी रखना पड़ेगा। डॉक्टर सूर्यकांत, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि जीका से बचाव के लिए जो प्रशासन है वो कर क्या रहा है, घर पर जो है टेस्टिंग की भी प्रक्रिया क्या चल पा रही है, जैसे कहा जा रहा है कि विभाग की तरफ से बहुत एहतियात बरता जा रहा है। देखिए, टेस्टिंग की प्रक्रिया तो बहुत अच्छी चल रही है क्योंकि हमारे पास सैंपल काफी संख्या में आ रहे हैं। मैं कहूंगा जो बचाव के बारे में आपने पूछा, तो देखिए बचाव त्रिस्तरीय बचाव, थ्री लेयर प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। एक गवर्नमेंट लेवल पे जो मैंने कहा कि ऑलरेडी पॉलिटिकल कमिटमेंट है, चीफ मिनिस्टर आज स्वयं कानपुर पहुंचे हुए हैं, और दूसरा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में जो मल्टीपल डिपार्टमेंट है इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, वो चाहे नगर निगम हो या दूसरे डिपार्टमेंट हो, जल शक्ति डिपार्टमेंट हो या हेल्थ डिपार्टमेंट हो, इन सबका आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। और कम्युनिटी लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे हम लोगों को ये सोचना है कि हमें मच्छर कहाँ पनपते हैं, मच्छर पनपते हैं गंदगी में, नमी में, सीलन में और जल भराव में मच्छर देखिए यही पनपते हैं। तो हमें ये सुनिश्चित करना है कि हमारे घर और घर के बाहर और हमारे मोहल्ले में, हमारे घर के अंदर कहीं नमी ना हो, सीलन ना हो, और बाहर जो है कहीं जल भराव ना हो, गमलों में पानी ना भरा रहे। अभी देखिए सर्दी का मौसम आ गया है, पानी बहुत डालने की जरूरत नहीं है, आप गमले रखते हैं लॉन में है, ये भी है, तो बहुत ज्यादा थोड़े दिन के लिए जो है पानी यानी भरना ये सब थोड़ा बंद कर दीजिए। घर के अंदर कूलर है, हमारी आदत है कि चाहे जो मौसम आ गया हो हम कूलर को चलाते हैं पानी भर के ही, वो आदत खत्म कर देनी चाहिए। इस समय की जरूरत है ना कि पानी की जरूरत है, तो इसलिए जो कूलर में भरने की, पानी भरने की जिनको आदत है वो बंद कर देनी चाहिए। और तीसरा है सबसे बड़े गमले, गमले हम घर के अंदर भी रखते हैं, ड्राइंग रूम में रखते हैं, कमरों में रखते हैं, बाहर रखते हैं, लॉन में रखते हैं, छत पे रखते हैं, तो इन सब गमलों में हमें ये देखना पड़ेगा कि हम अननेसरली वॉटरिंग ना करें, पानी ज्यादा ना करें, जिससे कि वहां पानी का संचय हो और पानी का संचय हो। तो दूसरी बात क्या है कि बड़े बड़े शहरों में भी छोटी छोटी वाटर बॉडीज होती है जिन्हें हम तालाब कहते हैं, तलैया कहते हैं, पोखरा कहते हैं, गांव में तो होती है, छोटे कस्बों और इसमें भी होते हैं, स्लम एरिया जो होते हैं उसमें भी कहीं झील होती है, कहीं कुछ होता है, तो इन वाटर बॉडीज में भी हमें थोड़ा सा केमिकल डिसइंफेक्टेंट करके उनको इंफेक्ट करना पड़ेगा। नगर निगम की तरफ से बहुत सफाई अभियान चलाना पड़ेगा, हमारा जल शक्ति डिपार्टमेंट और स्वास्थ्य डिपार्टमेंट में उसको भी देखना पड़ेगा। और जैसा बता रही थी, बिल्कुल सही बता रही थी कि देखिए जब मच्छर जिसको मान लो डेंगू हो गया, सॉरी जिसको जीका हो गया, और वो चाहे सिम्टोमेटिक हो या कैरियर हो, सिम्टोमेटिक हो चाहे सिम्टोमेटिक हो, अगर वो अपने को मच्छर को कटवा लेता मतलब उसको काट देता है मच्छर उसकी लापरवाही से, तो वो मच्छर फिर किसी और को काटेगा तो वो ट्रांसमिट करेगा। तो इसलिए भी ये जरूरी है कि हम इन लोगों का कन्फाइनमेंट करें, थोड़ा सा ट्रेवलिंग वेवलिंग इंक्रीज करें, एक कन्फाइनमेंट करेंगे, थोड़ा सा अपने घरों में रहने को कहेंगे, तो क्या होगा कि इनसे और ज्यादा जो फैलाव हो सकता है वो नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, हम अपने कपड़े सर्दी को ढक के रखें, सर्दी वैसे भी आ गई तो फुल शर्ट पहने, फुल पैंट पहने, आजकल जो होता है लड़के बच्चे बम्बूटा पहन के इधर उधर घूमते रहते हैं, हाफ टी शर्ट पहन के घूमते रहते हैं, जिंदा जाते रहते हैं, ये सब ना करें। और मच्छरदानी सबसे अच्छा उपाय है बचाव के लिए, हालांकि आप एंटी मॉस्किटो बहुत कुछ अप्लायंसेस आ गए वो लगा सकते हैं, लेकिन मच्छरदानी अभी भी सर्वश्रेष्ठ उपाय है। और मच्छरदानी का उपयोग हमें बहुत बड़ी मात्रा में करना चाहिए, और खासतौर पर गर्भवती महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और जो पहले से लंबी बीमारियों से पीड़ित हैं उनको स्पेशली हमें प्रोटेक्शन देना।
बिल्कुल डॉक्टर सूर्यकांत, बड़ी छोटे छोटे टिप्स आपने दिए हैं और बड़ी ही इम्पोर्टेंट जानकारी है ये कि देखिए लोगों को थोड़ा बहुत परिवर्तन अपने लाइफस्टाइल में भी करना पड़ेगा, अपने आसपास के एनवायरमेंट में भी करना पड़ेगा, तभी आप हमें विशेष जानकारी भी दे रहे हैं। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, आपने इससे पहले बताया था कि जो जीका की संक्रमण है वो व्यक्तियों के संपर्क में आने से होता है और किस प्रकार से हो सकता है, क्योंकि हमने कोरोना के टाइम में तो देखा कि किस तरीके से ये एक से दूसरे के संपर्क में आने से ऐसा फैला कि महामारी का रूप ले गया। जीका के बारे में जरा विस्तार से आपसे समझना चाहेंगे इसी को लेकर। बिल्कुल, देखिए कोरोना से थोड़ा फर्क है जीका, अगर हम बात करें कि किस तरह से फैलता है उसकी बात करें, क्योंकि कोरोना तो हमने देखा था कि एक व्यक्ति से दूसरे से जब रेस्पिरेटरी सेक्रेशंस के आप प्रभाव में आ जाते हैं तो आपको संक्रमण हो सकता है, लेकिन जीका ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति को हुआ है तो उससे अगर आप उसके आसपास बैठे हैं तो दूसरे को भी हो जाएगा, लेकिन ये मच्छरों के द्वारा होने वाली बीमारी है। तो अगर मच्छर ऐसे व्यक्ति को काटता है जिसको कि जीका हुआ हुआ इन्फेक्शन है, तो फिर वहां से वायरस ऐसे दूसरे व्यक्ति को चला जाता है। जब वो मच्छर दूसरे व्यक्ति को काटता है तो वहां से वहां वायरस जो है वो ट्रांसमिट कर देता है। दूसरी चीज यह है कि जो गर्भवती महिला है वो अपने बच्चे को ये इन्फेक्शन पास ऑन कर सकती है। तीसरी चीज यह है कि सेक्सुअल ट्रांसमिशन भी इस वायरस का होता है, तो अगर दो लोग ऐसे आपस में सेक्स कर रहे हैं जिसमें से एक को जीका है तो दूसरे को भी जीका होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो ये तरीका अभी तक जीका का देखा गया है ट्रांसमिशन का। अब दिक्कत की बात यह है कि इसमें भी कोरोना की तरह एसिम्प्टोमेटिक केसेस होते हैं जिनको कि पता नहीं है कि उनको जीका का इन्फेक्शन है क्योंकि उन्हें कोई भी सिम्टम्स नहीं हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जीका का ट्रांसमिट होने की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ जाती है, और इसीलिए हमें मच्छर कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जितना ज्यादा हम मच्छरों को कंट्रोल करेंगे उतना ज्यादा हम ट्रांसमिशन को रोक पाएंगे। खासतौर से जैसे अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया, उसमें भी लोग भी ये ध्यान रख सकते हैं कि कहीं भी घर में अगर पानी जमा है तो उसे हटाएं, और अगर नहीं हटा पा रहे तो आप उसमें एक ढक्कन केरोसिन ऑयल डाल सकते हैं, जिससे कि जो मच्छर की जो अंडे देने की प्रवृत्ति होती है वो ऊपर सरफेस पर जो है उनके तैरते हैं तो वो फिर मर जाते हैं, वो नहीं रह पाते। या 7 दिन के अंदर, क्योंकि इसके 7 डेज का साइकिल होता है लाइफ साइकिल जो अंडे देने वाला है, तो वो भी अगर आप 7 दिन के अंदर अगर पानी बदल रहे हैं तो फिर संभावनाएं मच्छरों की होने की कम हो जाती है। लेकिन जितना ज्यादा से ज्यादा आप पानी जहां भी जमा है या कहीं भी गंदगी है या पुराने अखबार है, गत्ते हैं, कपड़े हैं जो कि खराब हो रहे हैं, बालकनी में आपने या कहीं स्टोरेज में रखे हुए वहां नमी है, तो ऐसे में ये मच्छर ज्यादा पनपते हैं। तो हमें कोशिश करनी की जो छुपे हुए कोने हैं हमारे घर के जहां ज्यादातर इस तरह की चीजें होती है उनको हम ढूंढे और वहां पर हम मॉस्किटो रेपेलेंट्स वगैरह, फॉगिंग और इन सब चीजों का इस्तेमाल करें ताकि जो है मच्छर हमारे में ना पनपे। और साथ ही में हमारे मोहल्ले का भी ध्यान रखना हमें जरूरी है, क्योंकि मच्छर उड़ सकते हैं, एक घर से दूसरे घर उड़ करके जा सकते हैं। और तीसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है कि ये मच्छर दिन में काटता है, ये मच्छर रात में काटने वाला नहीं है, तो सूरज उगने से लेकर के सूरज ढलने तक का जो समय है ये ज्यादा महत्वपूर्ण समय है, और इस वक्त हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते क्योंकि अपनी रूटीन एक्टिविटीज में लगे होते हैं, और ज्यादातर हमें शाम को ध्यान आता है कि मच्छरों का कुछ उपाय करना है ताकि रात को चैन से सो पाए। तो ये मच्छर जो है दिन में काटने वाला मच्छर है, इसलिए हमें बच्चों को, बुजुर्गों को, गर्भवती महिलाओं को, सबको दिन में प्रोटेक्टेड रखना है। तो दिन में अच्छे से कपड़े पहन करके रहें, दिन में मॉस्किटो रेपेलेंट्स का इस्तेमाल करें, और अब बहुत सारे मॉस्किटो पैचेस वगैरह भी आते हैं जो बच्चों के कपड़ों पर आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से कई सारी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए हम ये कोशिश कर सकते हैं कि कम से कम मच्छर काटे और हम सुरक्षित रहे। और वहीं अगर किसी को भी लक्षण दिखाई देते हैं, खास तौर से अगर किसी को बुखार हो रहा है, आंखों में लाली दिखाई दे रही है, शरीर पर चकत्ते दिखाई दे रहे हैं, या जो है बहुत ज्यादा हाई ग्रेड फीवर है और बॉडी में बहुत ज्यादा जॉइंट्स में पेन हो रहा है, क्योंकि इसमें खास तौर से जॉइंट्स में काफी पेन होता है, सूजन भी हो सकती है, तो इस तरह के अगर कोई लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो तुरंत उससे संपर्क करें, क्योंकि इस वक्त डेंगू, चिकनगुनिया, कोरोना, उसके अलावा जीका, जितने भी वायरल फीवर्स फैल रहे हैं सबके लक्षण एक जैसे ही हैं, तो आपके लिए आइडेंटिफाई करना मुश्किल होगा लेकिन डॉक्टर के लिए आसान होता है, तो जरूर डॉक्टर से संपर्क करें। बिल्कुल, और यही हम अब जानना चाहेंगे डॉक्टर सूर्यकांत जी आपसे कि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो कहाँ पर जो है इसका टेस्ट हो रहा है और इसके परिणाम आने पर आगे की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है? डॉक्टर सूर्यकांत, आपको आवाज मिल रही है मेरी?
शायद संपर्क उनसे आगे नहीं हो पाया, बड़ी अहम जानकारी लेकिन आप दोनों की तरफ से निकलकर सामने आई, बहुत शुक्रिया डॉक्टर स्वाति आपका, आपने समय निकाला और इतनी विशेष जानकारी आपने दी है महिलाओं से, जो खासतौर पर गर्भवती महिलाएं हैं उनको कैसे एहतियात रखना, और कोशिश हमारी यही थी इस मंच के माध्यम से कि आपको कैसे हम जानकारी दे सकें, कैसे आपको जो है आने वाले दिनों में अपना और अपनों का ख्याल रखना है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही, नमस्कार।